अम्मा जी, हवेल अम्मा जी, आप रोत कहे हैं? डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये पेपर है उसके ऑपरेशन का, जिस पर पत्नी होने के नाते तुम्हारा साइन लगेगा बेटा। ए लड़की, का चंदा नाम है तुहार, बताओ शक्ति कैसे आई तेरे पास? शक्ति? कैसन शक्ति बाबा जी, हम तो बस एगो साधारण लड़के हैं। माता रानी के भक्त, हमरा पास कोनो शक्ति कैसे हो सकीला? सच सच बोल। हम सच करते बाबा जी। ये अचानक से भैरव बाबा यहाँ कैसे आ गए? बाद में देखते हैं कि अचानक से बाबा काहे आए। पहले तो हमको जाके उनको रोकना होगा, कहीं चंदा को कुछ बोल ना दे। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। धन्य हो जो आप हमारे घर में पधारे हैं। आइए ना बाबा, बैठते हैं। चंदा, तुमको देरी हो रही होगी, तुम्हारी अम्मा चिंता कर रही होगी, जाओ घर जाओ। पापा जी, का हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? हमार माता बाबू के एगो हादसा में कुछ याददाश्त चल गई ल, उनका के कुछ याद है और कुछ ना, का उस सब याददाश्त वापस लावे में आप हमारी मदद कर सकते हैं? तोहरे कारण हमारी शक्ति की परीक्षा हुई है, वो आत्मा हमारे चंगुल से निकल गई, और तोहरे कारण माधव अभी तक। चंदा, माधव एकदम में ठीक हो जाएगा, बाबा इसीलिए तो यहाँ आए हैं। तुम जाओ, तुमको देरी हो रही है ना, जाओ। बाबा जी, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आप हमको खबर करवा देते, हम खुद ही आपके पास आ जाते। हमारे दिए हुए भभूत का इस्तेमाल किए हो, पता लग गया। ये खातिर हम यहाँ आए हैं कि वो आत्मा यहाँ है या नहीं, हम उसको पकड़ने आए हैं। गई का? ये आप कह रहे हैं बाबा, भाग गई? चित्रा की आत्मा पकड़ में नहीं आएगी? कैसे आएगी, बहुत दुष्ट और चालाक है, तुम्हारे घर में घुसकर अपनी शक्तियां एकत्र कर रही है। उसकी शक्ति को हमने छीन लिया था, उसको पंगु बना दिया था, मगर तुम चिंता ना करो। लो, ये को हर वक्त अपने पास रखना, ये तोहरी रक्षा करेगा। जी बाबा, इसको हम अपने पास हमेशा रखेंगे। आप हमको मुसीबत से बचाने के लिए हमारे घर में आए, आइए ना, हमको सेवा का मौका दीजिए, थोड़ा दान दक्षिणा भी देना है आपको। आए, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते, हमारे डेरे पर आओ, स्वर्ण दान करो। बाबा का लालच तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अरे चंदा, देखो मैं कैसी लग रही हूं।
बहुत अच्छी लगाते हैं दीदी। थैंक यू। अब चंदा, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। तुम्हें इस घर में सच सवर के माता जी के नाम का सिंदूर लगा के घूमना चाहिए था, और करना मुझे पड़ रहा है। पर क्या कर सकते हैं, ये सब माधव जी के लिए कर रहे हैं ना। बस एक बार माधव जी ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कोनो बात नहीं क्या दीदी, हम सब तो जानना थे कि हमने सब जौन कुछ भी करा था और माता बाबू की तबीयत खाती नहीं करा था। लेकिन दीदी पता है, हमरा खातिर तो ये बहुत था कि माता बाबू से हमार बिया भइला, उनका संगे साथ फेरा हम ले ले हैं। भले ही हम उनका बिहाता बन के उनका के सामने ना आ सके थे, लेकिन अभी के खातिर हमरे लिए ये बहुत था दीदी। वो तो है चंदा, अब चलती हूँ, माधव जी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज समझो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जया जया, आप रोवत का है। चंदा, तुमको पता है ना, ये घर में एक रसोई भी है जिसमें बहुत सारा काम पड़ा रहता है सुबह सुबह, लेकिन तुमको काहे चिंता रहेगा। तुम्हारी अम्मा ये घर का बैनामा लिखा दी है, बोली कि जाओ ऐश करो। सुनो, माधो के लिए आलू पराठा, उसके साथ जूस हलवा, ये सब भी बना देना। अब खड़ी खड़ी उधर का देख रही हो, कागज पे लिख के देखा, अब जाओ। ठीक है मौसी जी। अरे जाओ जल्दी बनाओ। कितना भी कोशिश कर लेना, इस चंदवा का शकल दिख ही जाता है। हमको तो उसकी शकल से नफरत हो गया है। नहीं थी तो कितना अच्छा सा जिंदगी कट रहा था। दीदी कुछ भी करके ना इस चंदवा को घर से निकलवाइए। दाल भात का कोर है काई, किसाना और एक के बार में गटक गए गला में। अरे मछली के कांटा की तरह हम लोग के गले में अटक गई है। थोड़ा तो मुश्किल होगा ही निकालने में। एक बार तलाक के पेपर पे साइन हो जाए, फिर हम उसको देख लेंगे। अरे अम्मा, ये में कौन बड़ी बात है? अरे कुछ भी झूठ सच बोल करके उसे साइन करवा लीजिए ना। और वैसे भी कौन सा पढ़ी लिखी है ज्यादा कि कागज का एक एक पन्ना पलट करके रटने लगेगी। कोई जरूरी नहीं है रुद्र कि हर अकलमंद इंसान पढ़ा लिखा हो। कभी कभी जाहिल इंसान भी डिग्री वाले को मात दे देता है। दीदी भी तो बहुत ज्यादा बकवास करती हो तुम। वो इतना भी मूर्ख नहीं है कि कहीं भी साइन कर देगी। अगर ऐसा होता ना तो हम माधव का ब्याह अपने मर्जी से कब के कर दिए होते। जब चित्रा मरी थी, एक नंबर की भीतर गुन्नी है वो, अंदर से बहुत ते चालाक है। और फिर उसकी अम्मा भी तो सिखा पढ़ा के भेजी होगी। तो इसमें हम क्या करें अम्मा, ऐसे ही इंतजार करते रहें? अरे कठपुतली बन गए हम तो, जगह जमीन जायदाद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हमारे पास। पहले श्वेता का ऑर्डर फॉलो करते रहे और उसके बाद वो कल्पना आकर के मूर्ख बना के चली गई। और अब का इंतजार करे वो का साइन करने का कि चंदवा कब साइन करेगी। अब इतना इंतजार किए हो तो थोड़ा और कर लो। मौका पाते ही हम चंदा से तलाक के पेपर पर साइन ले लेंगे। ई बार कोई ये चूक नहीं करेंगे, कोई भी अच्छा सा बहाना ढूंढेंगे। अब एक बात बोले दीदी, हम तो कहते हैं माधो का बहाना बना दीजिए तो छठ से साइन कर देगी। काहे कि माधो उसका ना सबसे बड़ा कमजोरी है। ये बात तो तुम एकदम में सही बोली। तलाक के पेपर पर साइन। तलाक का पेपर कहाँ है? अलमारी में रख दी। छबिया हमारे पास है। छबिया कहाँ है? पॉकेटिया में तो रखे थे। ठीक से देखो कहाँ रखे हो, कहीं कमरे में तो नहीं छोड़ दिए ना। इससे पहले कि किसी के हाथ लगे, जाओ जल्दी जाकर ढूंढो। हाँ जाते हैं। एक काम भी सही से नहीं कर सकता है। अरे ये तो लॉक है, चाबी कहाँ होगी?
अरे हाँ चाह दे। जी अब बीच में खड़े हैं, हमको अलमारी में कपड़ा रखना है। अरे ये कैसी फाइल है, हम इसको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखे हैं। हर काम हम तुमको बता के करेंगे, पहले भी बोल चुके हैं हम तुमको कि अपना काम से काम रखो, समझ में नहीं आता है? ओ। बताना जरूरी नहीं है तो मत बताइए ना पतिदेव, हमरे ऊपर भी भगवान जी का हाथ है, हम वो फाइल पहले ही देख चुके हैं। ये कैसी फाइल है? माधव भैया और चंदा के डिवोर्स पेपर्स हैं। अगर हम चंदा को बता देते हैं तो रुद्र जी का पूरा शक हमरे ऊपर जाएगा कि हमने उसको बताया है, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे चुप भी तो नहीं बैठ सकते हैं। हमें चंदा को रोकना भी होगा ताकि वो किसी भी पेपर्स पे साइन ना करे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि माधव भैया का साइन पहले से उस पेपर में था, हम का करें, माधव भैया को कैसे बताएं? हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है जिसपे माधव भैया यकीन कर सके, हम का करें, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चंदा, माधव जी के लिए नाश्ता लाओ, ट्रे मुझे दो, माधव जी को नाश्ता आज मैं देती हूँ। माधव जी को लगेगा उनकी पत्नी मैं हूँ और उनका सारा काम तुम करती हो, फिर वो सोचेंगे, फिर उनके दिमाग में जोर पड़ेगा, फिर उनकी तबीयत खराब होगी। डॉक्टर ने क्या बोला था, उनको दिमाग पे जोर नहीं देना है। अब तुमको क्या समझाना, तुमको तो सब पता है ना। छोड़, दो मुझे ट्रे दो। माधव जी, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। श्वेता रख दो, हम बाद में खा लेंगे, आज बहुत काम है। आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। काम? कैसा काम श्वेता? अपने पति की सेवा। लीजिए खाइए। बस बस, हलवा भी खिलाओ। माधव जी आप भूल गए, मीठा लास्ट में खाते हैं। अरे बस करो श्वेता, आज ही सब खिला दोगी। चलो रहन दो, आज हमें काफी काम है, बाद में खा लेंगे।
चूज। थैंक यू श्वेता। मां लगता है कि चंदवा साइन करेगी। करेगी, करना तो पड़ेगा ही, उसको इनकार नहीं कर सकती हूं। अम्मा एक बात बताइए, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपके कहने से वो चंदवा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी? बस तुम खुद ही अपने कान से सुन लेना कि हम साइन कैसे करवाते हैं उससे। वैसे है कहाँ वो? ए चंदा, चंदा। जी रुद्र भैया। जरा इधर आना, अम्मा बुला रही हैं। अम्मा, चंदा। जी अम्मा जी बोली। अम्मा जी कहाँ भाई? अम्मा जी आप रोवत कहे हैं, हमने क्या बताई ना? चंदा बेटा, माधव के लिए हम कितना जतन किए कि उसके जीवन में कभी भी कोई आंच ना आए, लेकिन ऊपर वाले को एक माँ की ममता देखी नहीं जा रही है। हमरा माधव हमसे छीनना चाहते हैं। ऐसा काहे कहता है? हाँ बेटा, हमरा माधव हमसे छीनना चाहते हैं। हम इतना जतन करके भी अपनी माधव को बचा नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो गया हमरा बेटा को। अम्मा जी सब का बोलते हैं, हमने के कुछ समझ में नहीं क्या? जो सच है हम वही कह रहे हैं बेटा। माधव के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसको बचाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो नहीं बेटा। चंदा बेटा, भूल के भी माधव को कुछ मत बताना, कहे कि उसकी हालत एकदम में ठीक नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा ऑपरेशन से पहले ही। अम्मा जी, अम्मा जी प्लीज ऐसा मत बोली ना। और हाँ, अस्पताल जाते समय भी उसको कुछ मत बताना कि उसका ऑपरेशन होने वाला है, कहे कि डॉक्टर साहब एकदम में मना किए कि दिमाग पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गई रे अम्मा जी, अब समझ गई। अब माता बाबू का कुछ ना बताए, कुछ ना बताए। चंदा बेटा, तुम हमरे माधव की पत्नी हो ना, तुम्हारी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनेंगे। तुम ही हो एक जो हमरे बेटे को मौत के मुंह से वापस ला सकती हो बेटा। एक मजबूर माँ अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है बेटा तुमसे। ये पेपर है उसके ऑपरेशन का, इस पर पत्नी होने के नाते तुम्हारा साइन लगेगा बेटा, उसके बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। इस पे साइन कर दो बेटा। इलो, जल्दी से साइन कर दो बेटा। बेटा देर मत करो, जल्दी साइन कर लो। कहा सोच रही हो चंदा, पति के जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है बेटा,
सोचो बस, जल्दी से साइन कर दो।